नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी फीमेल के जो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उसको ब्रेस्ट में दूध आना सही है या गलत है, इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जानते हैं बिना प्रेगनेंसी के स्तन में मिल्क आने की वजह क्या होती है। बिना प्रेगनेंसी के स्तन में मिल्क आने की वजह होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वृद्धि होना। इसको हम मेडिकल टर्म में ग्लेक्टोरिया कहते हैं। तो ग्लेक्टोरिया की कंडीशन कब होती है? जब हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की वृद्धि हो गई है तो उसकी वजह से आपको ग्लेक्टोरिया हो जाएगा, यानी कि आपके ब्रेस्ट में बाटरी चिपचिपा डिस्चार्ज हो सकता है। उसके बाद आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है और आपके कपड़े गीले हो सकते हैं। अगर आपको भी इसी तरह की परेशानी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और उनसे आपको ये सलाह करनी है कि ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि आपके हार्मोनल लेवल पर और पीरियड्स के समय ये सब हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन उनके साथ भी हो सकती हैं जिनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। ऐसे में आपको अपना खास ख्याल रखना है कि आप ब्रेस्ट से न खेलें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ये सीक्रेशन आ रहा है जबकि आपकी प्रेगनेंसी का 7वां व 8वां महीना चल रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी नहीं है, फिर भी दूध आ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह का अगर कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।